वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बर्तनों को, तो चाय मैं बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं बर्तन भी लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, देखिए लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो बेल आइकन आता है ना उसको भी दबा लीजिएगा, तभी आपको मेरी रेगुलर जो वीडियो होती हैं डेली अपडेट मिलेगा। अगर आप वो नहीं प्रेस करोगे तो आपको मेरा डेली अपडेट नहीं मिलेगा, जो वीडियो का होता है बिल्कुल नहीं मिलेगा। दो दो तीन तीन दिन लग जाएंगे फिर नोटिफिकेशन को पहुंचने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और यहाँ पे हम बर्तन वगैरह लगा चुके हैं। लगाने के बाद में, उससे पहले ना मैंने बच्चों को जो है लंच वगैरह बना के दे दिया है, और बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए। और देखिए सुबह सुबह ना इतनी हड़बड़ाहट से काम होता है ना कि बिल्कुल भी हाथ पैर चलते ही नहीं हैं। एक तो टेंशन बच्चों की होती है कि इतना जल्दी 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 उनको तैयार कर करके सारा उनकी व्यवस्था बनानी पड़ती है, उनको खाने के लिए भी देना पड़ता है नाश्ता, और उनका लंच भी पैक करके देना पड़ता है। और आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से सुबह जैसे शानू के एग्ज़ाम होते हैं तो यश की छुट्टी होती है, और यश के एग्ज़ाम होते हैं तो शानू की छुट्टी होती है। तो इन लोगों का ऐसे चल रहा है, मतलब अलग अलग, लेकिन वही समय पड़ गया है दोनों के एग्ज़ाम का कि एक दिन एक की छुट्टी रहती है और एक दिन एक को जाना पड़ता है। तो लंच तो मुझे बना के देना ही पड़ता है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम तो हो जाते हैं लेकिन क्लास में रोक के रखते हैं वो लोग अगली पेपर की तैयारी के लिए थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे रोक के रखते हैं। अब पता नहीं पेपर की तैयारी के लिए रोक के रखते हैं कि जाने और क्या काम कराते हैं, ये तो इतना मैंने अभी तक पूछा भी नहीं है बच्चों से। लेकिन अच्छा है कुल मिला के, नहीं तो इतनी जल्दी आ जाएंगे तो, और मेरा तो जब तक काम ही नहीं ख़त्म होगा तब तक तो ये लोग आ भी जाएंगे। तो अच्छा है 2 बजे तक ही आते हैं, उसके लिए तो मुझे फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है इस बात का। और मैं इस बात को चाहूँगी भी नहीं कि वो जल्दी आ जाएँ, जल्दी आने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और बस वो लोग जा चुके हैं, और यहाँ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, तो साथ ही साथ में ये एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं जो भी है थोड़ी बहुत ज़्यादा, जैसी भी उल्टी सीधी जैसी भी मुझे एक्सरसाइज आती है, कुल मिला के ये डॉक्टर साहब ने ही मुझे एक्सरसाइज बताई हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने एक बेसिक तरीके से मुझे बता दी थी कि ऐसे करना वैसे करना, तो बस यही मैं हाथ पैर फेंकती रहती हूँ। तो पहले भी मैंने कई बार कोशिश करी है कि मैं आप लोगों तक ये बात शेयर करूं, लेकिन जब भी कुछ सोचती थी बस सोच के ही रह जाती थी और शेयर नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए आज मैंने पूरा मूड में बैठ गई थी कि भाई आज तो मुझे ये बात शेयर करनी है तो करनी है। और मैंने इसीलिए ना सुबह सुबह जब उठी थी तब मैंने एक्सरसाइज की भी नहीं थी कि अब मैं जब ही एक्सरसाइज करूँगी तब की जब मैं ये वीडियो शूट करूँगी। तो इसीलिए मैं जब तक इंतज़ार में रही और बच्चे चले गए हैं, और फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। और ये मौसम चेंज हो रहा है ना काफ़ी, कभी तो बारिश आ जाती है, कभी बहुत तेज़ धूप निकल रही है, तो इस चक्कर में ना चेहरे पे एक अजीब सी स्वेलिंग सी भी आने लगी। और वैसे भी ना सुबह जब हम उठते हैं तो चेहरे पे स्वेलिंग सी आ ही जाती है भाई, रात भर रिलैक्स फील करता है फेस हमारा, आंखें भी आराम से रहती हैं, तो पता नहीं क्यों एकदम आंखों के नीचे ना एक मोटी मोटी सी हो जाती है। वैसे सही रहता है कि सही नहीं रहता ये तो मुझे पता नहीं है, सबसे मेन प्रॉब्लम है ना मेरे यहाँ पे धूप नहीं रहती है। अगर धूप हो ना तो थोड़ी सी 2-4 मिनट जाके मैं धूप भी ले लूँ। सुबह उठ तो जाती हूँ लेकिन धूप नहीं मिल पाती है, बस अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर के आगे ही घर है, नीचे सड़क जा रही है घर है आगे, और सूरज उससे पीछे निकलता है, और उसके भी पीछे गली है, फिर उसके पीछे भी घर है। तो ऐसे करके ना लगातार घर 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 इतने ऊँचे ऊँचे घर बन गए हैं ना कि सूरज देवता के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम पी लेते हैं चाय, हमारी एक्सरसाइज हो गई है। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये थी सर्वाइकल वालों की। अगर किसी को भी, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को, सबको ही होगी, लेकिन अगर किसी को भी है ये सर्वाइकल,
तो यही वाली एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं कि ये नहीं बताते, मुझे ज़रूर ये बात बताना, अगर बताते हैं तो क्या मैं सही कर रही हूँ एक्सरसाइज, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो डॉक्टर साहब ने यही बता दी थी और बताई थी कि नीचे झुक के करना, लेकिन मैं नीचे झुकने वाली नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मेरे कमर में दर्द उठने ज़्यादा लगता है, वैसे ही होता रहता है एक तो, और ज़्यादा झुकने उकने से और ज़्यादा हो जाता है, और झुकने का काम तो वैसे भी घर में इतना होता रहता है ना कि बस मत पूछो। तो यहाँ पे अब मैं आटा निकाल रही हूँ और ये आटा लेकर आए हैं, मतलब मार्केट से ही लेकर आए हैं, तो ये मैं आटा पलट के रख ले रही हूँ, और पुराना जितना भी था ना, मतलब सारा ही तो मैंने निकाल के रख लिया था गूंथने के लिए, और थोड़ा परथुन के लिए भी रख लिया है, और ये नीचे से ये जो ये इसे क्या बोलते हैं ड्रम, इस ड्रम को भी मैं झाड़ ले रही हूँ। धोऊंगी नहीं इस समय पे क्योंकि फिर सूख नहीं पाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे ये पैकेट को रखने में, तो इसीलिए मैंने ये पैकेट को ही इसके अंदर रख दिया है और यहाँ पे इसे मैं इसके अंदर रख दूँगी। और आपको पता है, आप लोग शायद सोचोगे भी कि पता नहीं मजाक कर रही हैं, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको बता देती हूँ। जो ये मेरी अलमीरा है ना जिस पे कवर चढ़ रहा है किचन के अंदर, ये लोहे की है। अगर आपको मेरा इसका फुल वीडियो देखोगे ना तो आप मेरे किचन टूर में जाके ज़रूर देखना, आप सर्च कर लेना किचन टूर, तो किचन टूर का मेरा नाम से, मतलब संतोष वर्मा ब्लॉग के नाम से किचन टूर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा उसमें निकल के, फिर आपको पूरी किचन की डिटेल मिल जाएगी। और मेरी पूरी किचन जो भी है ये पूरा लोहे की बनी हुई है, ये लकड़ी वाली किचन नहीं है, जो आप लोग सोचो कि जैसे लकड़ी की आगे फ्रेम चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये लोहे का चढ़ा हुआ है। और इस पे जो पेंट हो रहा है ये मैंने पेंट भी खुद से किया है, तो अभी हमारे वाइट वॉश हुआ था तब ये नया दोबारा से पेंट कराया, नहीं उससे पहले भी मैंने खुद से ही अपने आप से पेंट कर रखा था, और ये भी मैंने अपने आप से ही किया है। ये बात मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की है वीडियो में, मैं वीडियो डेली डालती हूँ तो उसमें मैंने शेयर भी की है। और यहाँ पे मैंने घर का मतलब आटे वगैरह गूँथने के बाद मैं अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि वहाँ पे वो जो हमारा घर बन रहा है, जो हमारा घर बन रहा है, आशियाना बन रहा है, वहाँ पे वो लोग आ गए हैं काम करने वाले, तो बस मैं चाबी लेके जा रही हूँ वहीं पे ही, और उन लोगों को चाबी दे दूँगी। और आपको आज मैं थोड़ा सा अपना उस वाले घर का भी टूर कराऊँगी कि कहाँ तक काम पहुँचा है अभी तक का बता रही हूँ। वैसे अभी ज़्यादा काम हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी हो गया है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि ये काम जो है ना बहुत ही फिनिशिंग वाला है, बहुत ही आराम आराम से करने वाला है, तो इसीलिए। और ये लोग ना 10 दिन में लौट के आए हैं, अभी मुहर्रम के लिए चले गए थे, तो मुहर्रम का इन्होंने पूरा वो कर करा के अपना जो इनका त्यौहार होता है तो ये करके अब यहाँ पे दोबारा से आए हैं, और पहले भी ईद के ऊपर चले गए थे, तो जितने भी हमारे वर्कर काम कर रहे हैं सब मोमडन हैं, तो देखिए हमें इससे कोई वो नहीं है दिक्कत की बात। और यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, और ये एक पैनल बनाया है इधर, ये DVR का है, और मैं आपको यहाँ की फोर सीलिंग पहले भी दिखा चुकी हूँ वैसे तो, फिर भी दिखा दूँगी एक नज़र इसको भी करा दूँगी। और देखिए गंदगी का कितना बड़ा हिसाब किताब है, सफाई होते होते जाने कब टाइम तक लग, कितना ही टाइम लग जाएगा, काफ़ी समय लगेगा अभी तो सफाई वगैरह में, और काम कंप्लीट होने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो कुल मिला के इस तरह का कुछ हमारा नीचे का तैयार हुआ है, और ये हमने हॉल ही रखा है नीचे का, जिसमें कि हमारी गाड़ी भी पार्क हो जाएगी और हम छोटा मोटा फंक्शन करेंगे तो इसमें आराम से वो भी हो जाएगा, तो इसीलिए ये हमने इस तरह से बनवाया है। और ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, उसकी ये किचन है, और किचन कम कबाड़ा ज़्यादा लग रही है ये, तो फ़िलहाल आप लोगों को दिखा दे रही हूँ भाई काम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। और ये हमारा बेडरूम है, तो ये बेडरूम भी आप लोग देख लीजिए, दिखा सब दे रही हूँ, बस एक ही मेरा किचन है। Oh, oh, oh.
तो फ्रेंड्स अब लूंगी आप लोगों से इजाज़त, वो इसलिए लूंगी क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। तो सब्जी मैंने बना ली है, सब्जी मैंने बनाई है अरबी की रसीली, अब अरबी जो होती है वो बर्तन भी वॉश करके रख दिया है, आटा भी गूंथ के रख दिया है, सुबह का आटा बच रहा था वो भी निकाल के रख लिया है, और जल्दी से अब बनाऊंगी खाना। और समय कितना हो रहा है, समय बज रहा है 9:15, तो जल्दी जल्दी बच्चों को खाना बना के खिलाना है। तो इसी वजह से आप लोगों से इजाज़त लूंगी, गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी ना बच्चों को तो मन खुश हो जाएगा। और हाँ, आम भी काट के रख दिए हैं मैंने, सलाद बना के रख दिया है, तो अपने समय से सारा काम मैं कर चुकी हूँ। जल्दी जल्दी बस खाना ही बनाना रह गया था बस मुझे, तो इसी वजह से आप लोगों से इजाज़त मांग रही हूँ अब मैं। तो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने बच्चों का, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी अगले नए ब्लॉग वीडियो में। और देखिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए, इस बात का मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया कीजिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ज़रूर ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।